नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जाली कामयाब करवाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत धड़ेबंदी की, बंद कमरों में बैठकर अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। लियाकत बलोच का बड़ा इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि इत्तेहाद की सियासत मुल्क को मजीद मुश्किलात में डाल रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने सोचे समझे मंसूबे के तहत धड़ेबंदी की। उनका कहना था कि इंतखाब इंजीनियर धांधली ज़दा और मुतनाज़ा है। चार दीवारी में बैठकर अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को जाली बुनियादों पर कामयाब करवाया गया। उनको धांधली ज़दा सीटों को लेने से इनकार कर देना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि साफ शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने के लिए सबको बैठना होगा, क्योंकि आज अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मुल्की मसाइल का हल जमहूरियत ही है।